पिंपरी चिंचोड़ शहर के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर कृष्ण प्रकाश के तबादले के बाद ही शहर में चर्चाएं जोरों शोरों से शुरू है। पुलिस कमिश्नर कृष्ण प्रकाश के तबादले की जांच की मांग हो या फिर पुलिस कर्मचारियों का वायरल हुआ क्लस्टर हो, इन दोनों बातों में पुलिस कमिश्नर कृष्ण प्रकाश को लेकर शहर भर में चर्चा शुरू है। पुलिस कमिश्नर कृष्ण प्रकाश के ट्रांसफर के पीछे किसका हाथ है, इसकी जांच की मांग शहर के कई सामाजिक संगठनों ने की। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई सामाजिक संगठन के अध्यक्ष ने ये जानकारी दी है। कृष्ण प्रकाश की बदनामी को लेकर हुए वायरल लेटर की जांच की मांग के साथ उनका तबादला करने के पीछे के षड्यंत्रकारियों की भी जांच की मांग की गई है। माजी पुलिस कमिश्नर कृष्ण प्रकाश, उनका जो तबादला हुआ है, इनके तबादले के पीछे उन्होंने जो यहाँ में अच्छे काम किए थे, जिन्होंने भूमाफिया के ऊपर कार्रवाई किया था, इधर के जो बैंकर है, जो बड़े बड़े जिन्होंने बैंक का घोटाला किया है, ऐसे कुछ लोगों के ऊपर उन्होंने कार्रवाई किया था, तो ये सब अच्छा काम करने के बाद में भी अगर उनका तबादला हुआ है तो ये तबादला क्यों हुआ है, इसके पीछे कोई षड्यंत्र है क्या, इसका जाँच होना चाहिए, ऐसे हमारी आज डिमांड है। यहाँ पे कृष्ण प्रकाश जाने के बाद में उनके ऊपर जो 200 करोड़ के आरोप लगे हैं उसके अंदर पिंपरी चिंचोड़ के पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता का नाम आया है, तो हमारा कहने का ये अर्थ है कि यहाँ पे इधर के सामाजिक कार्यकर्ता पत्रकार, इनका शहर के अंदर योगदान रहा है और योगदान के रहते हुए अगर उनके ऊपर अगर कोई आरोप करता है तो ये गलत है, इसलिए वो जो लेटर बॉम्ब है 200 करोड़ का, उसकी जाँच होनी चाहिए और जिसने भी ये किया है उसको सामने लाके ये क्यों किया है इसके अच्छी तरीके से जांच होके उसके ऊपर एफआईआर दाखिल होना चाहिए, ऐसे हमारे डिमांड। अभी जो पुलिस कमिश्नर है अंकुश शिंदे साहब, उन्होंने जांच करनी चाहिए, एफआईआर दर्ज करना चाहिए उनका, क्योंकि जिनके नाम से जो लेटर आया अशोक डोंगरे, उन्होंने कहा है कि ये लेटर हमारा नहीं है, अगर उन्होंने का ये लेटर नहीं है, उन्होंने अगर तकरार दी है और अभी हम भी तकरार देने वाले हैं, फिर याद हम मागा स्वर्गीय अनुसूचित जाति जमाती के कार्यकर्ता है, हमारा नाम उनके अंदर आया है, तो हमारा जाति के भावने से उनके ऊपर नाम आया, हम भी 18 सिटी का एफआईआर देने वाले हैं, तो हमारे लिए एफआईआर लिए जाए नहीं, हमारे डिमांड है कि गुनाह दाखिल करके इसकी जांच होना चाहिए और जो कोई जिस किसी ने ऐसा ये जो दुर्व्यवहार किया है तो सामने आना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, वी सारस न्यूज, पिंपरी चिंचवड़, पुणे।